नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश के सुरखी विधानसभा उपचुनाव अब सागर की लहरों की तरह छलांगे लगा रहा है, जिसका प्रतिध्वनि भोपाल ही नहीं अपितु दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दरअसल यहां से भाजपा प्रत्याशी सिंधिया के खेमे से आते हैं, जिससे सिंधिया की सियासत दांव पर लगी है। फिलहाल चुनावी माहौल का परिदृश्य जोर पकड़ रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय किसान पार्टी के प्रत्याशी तुलसीराम सिंह ने मध्य प्रदेश को दो हिस्सों में बांटकर अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग उठाकर बड़े बड़े राजनीतिक दलों को सत्ते में डाल दिया है। अब देखना यह है कि इस मांग से कौन सहमत है, कौन असहमत। परिचय है, ठाकुर तुलसीराम सिंह दाऊ साहब के नाम से विदिशा की धरती पर मुझे जाना जाता है और मैं सुरखी विधानसभा क्षेत्र से जो उपचुनाव होने जा रहा है उससे राष्ट्रीय किसान पार्टी का उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। मेरा चुनाव लड़ने का मकसद ये है कि सुरखी से बहुत से लोग विधायक बन के मंत्री सबसे ज़्यादा बने हैं, लेकिन यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं योजना लाया हूँ, किसानों को लागत मूल्य जोड़ेंगे, हमारी गौ माँ जगह जगह टकरा के मर रही, भूखों प्यासों मर रही है,